Let's discuss about the paper. Paper will be in two parts. Part A. बेटे वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर. ओके पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का होगा. ओके नाउ फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका रीडिंग. रीडिंग में आपको रीडिंग आपका 20 मार्क्स का होगा. कितना होगा आपका ये 20 मार्क्स का होगा. इसमें आपको दो पैसेज दिए जाएंगे. ओके वन पैसेज 10 मार्क्स. ओके इट विल बी कंप्लीटली ऑप्शनल. या इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे. 12 क्वेश्चन यानी कि 10/12 क्वेश्चन. ओके 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको इसमें आपको और आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे विद ऑप्शंस. चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं. ठीक है विद ऑप्शंस होंगे 12 क्वेश्चंस होंगे और 10 आपको अटेम्प्ट करने होंगे. उसके बाद फिर ये आपका होगा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पैसेज. ये भी आपका कितने का है 10 मार्क्स का है. ओके इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें आपको पहला आएगा आपका 2.1 के अंदर. 2.1 के अंदर आपको आपके होंगे 3 क्वेश्चन. ये आपको पैसेज में से छांट के देने होंगे और इनकी वर्ड लिमिट होगी 30-40 वर्ड्स. ठीक है और ये होंगे आपके 3 क्वेश्चन यानी कि 3 × 2 कितना होगी आपका 6 होगी आपका. 3 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा आपका 2 नंबर का होगा. आगे चलते हैं इसमें 2.2. में आपको आपके 6 क्वेश्चन होंगे. ए बी इसमें जो आपके 2 क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन ऑप्शनल. ओके सुनो बड़े ध्यान से 2 क्वेश्चन आपके होंगे ऑप्शनल. 3 ये हो गए 2 ये हो गए 5 हो गए आपके ये. अब आपके 2 क्वेश्चन और हैं. इसमें एक आपका ट्रू फॉल्स होगा. ठीक है यानी कि एक क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का होगा. दिखाई दे रहा इसमें आपका एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स. ओके और जो पैराग्राफ आपका दिया जाएगा
वो स्टोरी आपको क्या बताती है, एक क्वेश्चन ये होगा आपका। तो तीन और पांच, ओके, छ और सी, ए वन क्वेश्चन अबाउट द पैसेज, अबाउट द मॉरल कह सकते हैं आप, मॉरल ऑफ पैसेज। तो छह ये हो गए आपके, छह और दो ये नंबर का ये हो गया आपका टू इंटू वन, ओके, और वन नंबर का ये हो गया और वन नंबर का आपका ये हो गया। तो आपके पूरे कितने मार्क्स हो गए आपके, 10 मार्क्स हो गए, 10 प्लस 10 कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो रीडिंग पार्ट आपका कितने का हो गया, 20 पार्ट का हो गया। मैंने पार्ट ए की बात, पार्ट ए में जो आपका रीडिंग सेक्शन है आपका 20 मार्क्स का हो गया, ये समझिए आप। अभी आपका 20 मार्क्स में आपके आपके बचे हैं अभी, तो वो पार्ट आपका लिटरेचर में से आएगा। लिटरेचर में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका लिटरेचर आपका 10 मार्क्स का होगा। कितना होगा आपका ये 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपके फ्लेमिंगो फिल्म के नाम आपके फर्स्ट प्राइज से। इसमें आपका एक्सट्रैक्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया, ये आपका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम FF, यू नो FF फर्स्ट फ्लाइट, इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स, ओके। इट मींस इसे आपको दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 × 1 = 5, इस तरीके से ये होगा आपका। गेटिंग ऑन नॉट, हाँ, पोयम से भी आएगा और टेक्स्ट और चैप्टर में से भी आएगा, दो आएंगे आपके ये। हाँ, नहीं ये ऑप्शन में नहीं है, अगर जहां ऑप्शन होगा मैं वहां लिख दूंगा विद ऑप्शन, और जहां ऑप्शन नहीं मैं वहां ऑप्शन मेंशन नहीं करूंगा। एवरीवन, चलिए अब आपका एक पैरा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका एक्सट्रैक्ट है लेकिन ये पोयम में से है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम, ओके, ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इसे भी क्या देंगे आपको, ये आपको 5 क्वेश्चन देंगे, यानी कि 5 × 1, 5 क्वेश्चन वन मार्क्स के, ये हो गया आपके 5। तो 5 ये और 5 ये कितना हो गया आपका, सॉरी 5 ये 5 कितना हो गया आपका 10 हो गया। ये वाला रब कर दूं क्या, तो आप हो रहे हैं कंफ्यूज, क्योंकि सब हमारा मार्किंग लिखी भी आएगी आपके पेपर पे, ठीक है। अब बचे आपके इसके 10 मार्क्स बचे, 20 वो पूरी हो गए, 10-30 आप चलेंगे ग्रामर पोर्शन, यानी कि एक पार्ट में तीनों चीज है, रीडिंग सेक्शन भी है, लिटरेचर भी है, और क्या है आपका ग्रामर भी है। तो डिफरेंट है ना पेपर, ग्रामर। चलिए ग्रामर में करते हैं क्या, एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट फॉर्म करेक्ट ऑप्शन, उसमें आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। तो उस फिलिंग मतलब एक पैराग्राफ होगा, यानी कि पैराग्राफ विद ब्लैंक, ठीक है। उसके नीचे आपको दे रखे होंगे ऑप्शंस की ABCD ऐसे करके,
उसमें क्या आएगा वो उसमें आपको फिल करना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं है ना। तो बच्चों ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका पांच, क्वेश्चन नंबर फाइव, ये हो गया आपका फोर मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो गया ये आपका? फोर मार्क्स का हो गया। ओके अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। डायलॉग्स आएंगे, डायलॉग इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन। ओके डायलॉग्स किसे को बोलते हैं? वी कॉल डायलॉग्स टू क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन मींस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आपको दे रखा होगा नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको उसके अंदर फिल करना पड़ेगा। जैसे सुरेश आस मुकेश, मुकेश रिप्लाइड सुरेश, दोनों हैं सुरेश और मुकेश ये आपस में बात कर रहे हैं, फिर उसको आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना होगा। इट इज नोन एज ए डायलॉग राइटिंग। नहीं आया समझ में? आया समझ में? तो बेटे ये होगा आपका थ्री मार्क्स का। कितना का ये आपका? थ्री मार्क्स। एक बार बता दीजिए डायलॉग राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल अनु व्हाट आर यू ईटिंग, अंजू आई एम ईटिंग पुडिंग। ओके ओ फिर वो बोलेगी हाउ डिड यू मेक द पुडिंग, इट इज वेरी इजी, आई टेक जस्ट पैन एंड ड्रॉप सम मिल्क एंड वट एवर एंड एड शुगर मिल्क एंड दिस वे आई प्रिपेयर पुडिंग। ओके जैसे आप लोग डायलॉग बोलते हैं इस तरीके से डायलॉग हम लिखे भी आएंगे, एंड यू हैव टू मेक इट इनडायरेक्ट। ओके अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ गिवन है बेटा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आपका ऑप्शंस में होगा, इसमें आपके आएंगे ऑप्शंस विद ऑप्शंस, इसमें जो ऑप्शंस आपको सूटेबल लगेगा वो उसके अंदर आप उसका टिक कर देंगे कि इसका ये आंसर ये है। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर सेवन, ये भी आपका एक पैराग्राफ होगा। ओके पैराग्राफ विद ब्लैंक्स। विद ब्लैंक्स ठीक है, विद ऑप्शन, विद ऑप्शन, इसमें भी आपको दे रखे होंगे ऑप्शंस और सूटेबल ऑप्शंस आपको फिल करने पड़ेंगे उस ब्लैंक के अंदर। गेटिंग ऑन नॉट? यानी कि बहुत इजी है। तो ये आपका कितने मार्क्स का होगा? ये आपका होगा थ्री मार्क्स का। नाउ एड, कितने मार्क्स हो गए आपके? ये दस हो गए पूरे, ये दस हो गए आपके रीडिंग के, उसके लिटरेचर के फाइव फाइव चैप्टर के और फाइव पोएम के, पूरे 40 मार्क्स हो गए आपके। एनी डाउट? नाउ कम द पार्ट बी। Did you see anything? अच्छा हट जाओ नहीं, हट गया जी। चलिए वी मूव टू पार्ट बी। एज यू हैव द पार्ट ए ऑफ 40 मार्क्स, इन द सेम वे पार्ट बी आल्सो कैरीज 40 मार्क्स। क्या रब करूं क्या छोड़ूं, ये तो कोई ऐसे हो गया। कर दूं? धन्यवाद आपको बहुत बहुत। चलिए अब है आपका राइटिंग सेक्शन पार्ट बी 40 मार्क्स फर्स्ट राइटिंग। राइटिंग आपकी 10 मार्क्स। कितने मार्क्स की होगी आपकी? ये 10 मार्क्स।
चलिए इसमें कोई न्यूज जैसे भी हो सकता है, कोई भी मतलब एक टाइप ऑफ आर्टिकल, अ टाइप ऑफ आर्टिकल, ठीक है, इस तरीके से लिखने के लिए आएगा और चॉइस से भी आएगा न्यूज आर्टिकल। और आपका ये कहां से आ गया, और लेटर, लेटर टू एडिटर, ये कितने मार्क्स है आपका, ये आपका 5 मार्क्स का चॉइस हो गई आपकी। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, इस आर्टिकल को चाहे तो आप ले लो स्टोरी के रूप में, वहां पर हिंट लिखा हुआ आएगा, यू हैव टू रीड इट एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा था, 8 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे जब हम चलेंगे तो आपको ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा। इसमें आर्टिकल, ये न्यूज आर्टिकल हो गया, ये आपका सिंपल आर्टिकल, और योर फेवरेट, वेरी फेवरेट स्टोरी। ओके ये हो गया आपका 5 मार्क्स का, ये भी आपका। तो 5 मार्क्स का ये हो गया, 5 का हो गया था, सबको 10 मार्क्स हो गए राइटिंग के। क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ये आपका आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका 2 into 4 इज इक्वल टू कितने मार्क्स हो गए आपके, 8 हो गए। ये भी पार्ट में होगा आपका, पहले आपका ए पार्ट आएगा इसके अंदर, क्वेश्चन 10 में आपका ए पार्ट आएगा। उसमें लिखा होगा एनी टू, ठीक है, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन आंसर, इट इज क्वेश्चन आंसर। क्लियर? फिर इसका बी पार्ट आएगा, उसमें भी आपको एनी टू करने हैं। एक ही बुक होंगे बेटा, अब ऐसे आपके जब आपका 2 बुक है ना, ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन करने, इसमें आपके दे रखे होंगे आपको 3 क्वेश्चन, तो चॉइस आपके हाथ में होगी, 3 में से आपको 2 करने हैं, उसमें से भी आपको क्या करना है, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? ये हो जाएगा आपका एफएफ से, नो एफएफ
फर्स्ट फ्लाइट ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी कि आपकी सेकंड बुक से होगी आपका। क्लियर टू एवरीवन? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका 12 मार्क्स आएगा, 3 × 4 = 12। अब इसमें क्या होगा, इसके पार्ट होंगे ए, इसका पार्ट ए एनी टू चीज रखे होंगे, इट मींस क्वेश्चन आंसर। फिर पार्ट बी होगा, पार्ट बी एनी टू आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आंसर। ये आपका FF और ये आपकी बुक नंबर 2 यानी के सप्लीमेंट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। पेपर थोड़ा लेंदी हो गया है, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। टिक वाले पर जो आप मार्क करेंगे टिक, जरा सोच समझ के टिक कीजिएगा, या तो मार्क ही मिलेगा या फिर वो कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये होगा आपका लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन 12, एनी वन इट मींस 2 क्वेश्चंस विल बी गिवन, यू हैव टू चॉइस ओनली 1। जी बेटा, 1/2 आधा क्वेश्चन नहीं है, 2 में से आपको 1 करना होगा। ठीक है, और ये होगा आपका भाई साहब फर्स्ट फ्लाइट में से। ठीक है, और कितने मार्क्स का होगा ये आपका, 5 × 1 = 5। क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 13। आपका है पेशेंस, ये सब खत्म होने वाला है। या लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। एनीवन यानी के 1/2, यानी के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, यू हैव अटेम्प्ट ओनली 1 फ्रॉम बुक 2 यानी कि सप्लीमेंट्री बुक। यस ऑफ कोर्स, यस 5 × 1 = 5। नाउ दैट इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। हाँ बोलो, हाँ ब्लैक मैंने दिया था भाई साहब, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना चैप्टर। मैंने जो कुछ बनाया है वो बुक से देख के तो बनाया है। शब्द लगा लो, कितने कितने बताओ। I am ready to make bet with you if this color is not mentioned in the chapter. मैं वो क्वेश्चन नहीं देता बच्चों को एग्जाम में जो बुक में नहीं दिए होते। Yes, कल भी था क्वेश्चन। है ना? और कल भी सब ब्लैक ही था। Yes, कल उसको ब्लैक ही था। हाँ, ब्लैक ही था। बच्चे की आवाज आ रही है ऑनलाइन? ब्लैक ही था 100% श्योर। मेरा नहीं था ब्लैक, ब्लैक दे रखा है। मिल गया आपको?
या विदिन अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल. ब्लैक मेटल मीन्स ब्लैक कार. मेटल मीन्स वो नहीं है कि लोहा आ रहा है स्टील आ रहा है, या मेटल मीन्स कार से मतलब है ब्लैक मेटल. भाई साहब ब्लैक मेटल मीन्स द कलर ऑफ द कार इज ब्लैक. चलिए आपके घर में जब कार आएगी ना तो उसको अगर वो ब्लैक आती है तो व्हाइट पेंट कर लेना, व्हाइट आती है तो ब्राउन पेंट कर लेना. इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू. घर वाले डांटे तो सैन कर लेना. अगर उसको आपको करना है मल्टी कलर तो कहीं से रेड, कहीं से ब्लैक, कहीं से ग्रीन, कहीं से ऑरेंज, रेनबो कलर. ठीक है, या होली के जो रंग आते हैं ना वो गाड़ी पर डाल देना, दैट इज द मल्टी कलर कार. ओके, सो नाउ इट इज योर मार्किंग स्कीम. आई थिंक इट वुड हैव बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, पार्ट ए ऑप्शनल, बट सम इज गिवन ऑफ द आंसर. पर जहां जहां ऑप्शंस हैं तो बहुत ध्यान से अपने ऑप्शंस को पढ़ के इसे आपको टिक करना है. ओके, नाउ वी स्टार्ट. थोड़ा ग्रामर पोर्शन कर लेते हैं. पेज नंबर 47 से था, कहां से था? यस, हम ऑप्शंस वाले करेंगे. ठीक है, मैं बोलता हूं आप उसको लोड कर लीजिएगा, फिर मैं यहां डाल दूंगा नीचे ऑप्शंस. ठीक है, लिखिएगा आप लोग. ये वो ये पैसेज है, आपको पैसेज में आपको वर्ब फिल करने हैं करेक्ट ऑप्शन में. ठीक है, पहला पैराग्राफ, पुलवामा अटैक. पुलवामा